नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी पांडे। लोकसभा का चुनाव होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारी में लग चुकी हैं। कई पार्टियों ने तो अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है, वहीं कुछ नेताओं का दल बदल का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड में कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं कि उससे पहले ही नेताओं के इस्तीफे और त्याग पत्र का दौर शुरू हो गया है। इससे पहले भी कई नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो कौन है वो नेता जो जा रहे हैं राहुल के सपनों पर पानी फेरने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को उत्तराखंड में बड़ा झटका लगा है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर दी है। उन्होंने कहा, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे रहा हूँ। मेरा यह निर्णय बिना किसी व्यक्तिगत हित अथवा अपेक्षा में लिया गया है। बता दें कि मनीष खंडूरी पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, इसके साथ ही वो इस सीट से दावेदारी भी करते दिखाई दिए थे। ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मनीष खंडूरी के इस्तीफे से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और इसी के साथ राहुल गांधी के सपनों पर पानी भी फिर गया है, क्योंकि मनीष खंडूरी का उत्तराखंड की राजनीति में एक अलग पहचान है। अगर बात मनीष खंडूरी की करें तो खंडूरी का जन्म 16 अक्टूबर 1968 को गढ़वाल में हुआ था। ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे हैं। मनीष खंडूरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली थी और 2019 में उन्होंने अपने पिता के खिलाफ जाकर कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन इस चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। उत्तराखंड में गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष खंडूरी ने इंजीनियरिंग और मीडिया के क्षेत्र में महारत हासिल की है। इनके पिता और भाजपा नेता मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी 5 बार बीजेपी से सांसद बने और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। राहुल गांधी ने भले ही 2024 में बीजेपी के रथ को रोकने के लिए सभी विपक्षी दलों को अपने साथ मिलाकर चुनाव लड़ने की कोशिश की है, लेकिन उनका यह प्रयास पूरी तरह से विफल होता दिख रहा है। उनके इंडी गठबंधन से कई पार्टियों ने अपना रिश्ता खत्म कर लिया, तो कई उनके ही पार्टी के नेता उनसे अपना रिश्ता खत्म करके बीजेपी के साथ नाता जोड़ रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव से पहले अभी राहुल गांधी को और कितने झटके खाने पड़ते हैं। इस खबर में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।